हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। सभी पार्टी के नेता जो है डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। सड़कों पे आप देखोगे तो बोर्ड होर्डिंग आपको लगे दिखाई देंगे, लगेगा कि चुनावी माहौल है। तो आज हमारे साथ देश रोजाना के स्टूडियो में मौजूद हैं पिथला विधानसभा से कौशल ततारपुर जी। मैं कौशल ततारपुर जी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, जो पलवल जिले से आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, फिलहाल आजकल जो है यूथ विंग के उपाध्यक्ष हैं। और इसके साथ मैं ये भी बता दूं, जब से आम आदमी पार्टी का गठन भी नहीं हुआ था, कौशल जी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी की बात करूं तो जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मुहिम चलाई गई थी, तब मशहूर कवि शहनाज जी के साथ भी जो है कौशल जी आपको कई बार मंच पे दिखे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ देश रोजाना में। कौशल जी, विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं आप, दावेदारी कर रहे हैं पिथला विधानसभा से, कितना प्यार मिल रहा है जनता का विधानसभा से? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ जी, और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को लेकर, विचारधारा को लेकर और दिल्ली मॉडल को लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। आज पूरे हरियाणा के अंदर कोई भी व्यक्ति आम आदमी पार्टी के बारे में, उसकी कार्यप्रणाली के बारे में, या जो हमने दिल्ली और पंजाब में जो काम किया है उससे अछूता नहीं है, वो ये नहीं कह सकता कि वो इनके बारे में जानता नहीं है। जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, अपने पिथला क्षेत्र में जाते हैं, तो लोग हमें काफ़ी प्यार करते हैं। वो हमारे बोलने से पहले ही कहने लगते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर अच्छा काम कर रहा है, स्कूलों के अंदर अच्छा काम कर रहा है, अस्पताल के अंदर अच्छा काम कर रहा है और महिलाओं के सम्मान के लिए अच्छा काम कर रहा है। खासकर हमने जो इस पर महिलाओं को फ्री यात्रा देने का काम किया है, ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको लेकर हम पब्लिक को, हमारे बताने से पहले उनके बारे में पब्लिक को पता है। और मैं पिथला क्षेत्र का निवासी हूँ, मेरा जन्म पिथला में हुआ है, मेरा जन्म पिथला क्षेत्र के गांव ततारपुर में हुआ है जी। मैं ततारपुर गांव में रहता हूं, तो मैं इन लोगों के बीच में रहता हूं, तो मुझे, मैं उनका अपना हूं, लोग मुझे पूरा प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि इस बार एक अपना बच्चा क्षेत्र में, क्षेत्र की आवाज़ बनने जा रहा है और क्षेत्र के लोगों की जो समस्याएं हैं उनको उठा रहा है, तो लोग मुझे काफ़ी प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं और इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। बात करें पिथला विधानसभा की, मौजूदा जो विधायक हैं नयनपाल रावत जी, क्या कमियां रह गई हैं जो पिथला विधानसभा की जनता को आपसे उम्मीदें हैं? देखिए, मैं उनकी कमी और उनकी तरक्की के बारे में, विषय के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। मैं वो बात करना चाहता हूँ जो हम लोग, यानी कि आम आदमी पार्टी और मैं, अपने क्षेत्र के लिए करना चाहते हैं जी। हम चाहते हैं कि हर एक गाँव के अंदर एक अच्छा सरकारी स्कूल बने जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में अध्यापक हों, सारी सुविधाएं हों, और हमें अपने बच्चों को, एक पेरेंट जो है, अभिभावक जो है, अपने बच्चों को खुशी खुशी सरकारी स्कूल में एडमिट कराए। वो चाहे कि उसका बच्चा सरकारी स्कूल से शिक्षा प्राप्त करे। मैं ये चाहता हूँ कि हर गांव के अंदर एक विलेज क्लिनिक बने जिसके अंदर एक MBBS डॉक्टर हो, नर्स हो, फार्मेसी हो और टेस्ट की मशीनें हों। किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी होती है तो वहाँ पर जाए, उसको वहाँ पर अच्छा इलाज मिले, दवाई मिले, टेस्ट हो और वो ठीक हो जाए, यानी कि कम से कम खर्चे में, यानी कि बिल्कुल निशुल्क, दिल्ली में तो निशुल्क दे रहे हैं, निशुल्क उसको इलाज मिले। मैं चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र का युवा जब पढ़ लिख कर अपनी पढ़ाई पूरी कर ले तो उसको रोजगार मिले। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र के किसानों को पर्याप्त मात्रा में जो MSP है वो मिले, नहर का पानी सिंचाई के लिए मिले, और जो हमारे क्षेत्र से जितने भी जवान, भगवान न करे वो सीमा पे शहीद होते हैं, तो उनको, उनके परिवार को उचित सम्मान राशि मिले, और हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो बेटियां हैं, उनको उचित सम्मान राशि जो आम आदमी पार्टी ने 1000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया है वो मिले, और हमारी बेटियों को आज कॉलेज में पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है, उनको बाहर जाना ना पड़े, हमारे क्षेत्र के अंदर ही उच्च शिक्षा के जो कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं, वो बने। ये हमारी सोच है और इसी सोच के साथ, इसी विचारधारा के साथ हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। किसी ने क्या किया क्या नहीं किया, इस पे ये तो बहस का मुद्दा हो जाएगा। वो उन्होंने जो किया, अच्छा किया या गलत किया, इस बात का निर्णय जनता को करना है। जनता करेगी, और जनता ने पहले भी किया है, इससे पहले भी 2009 में पिथला विधानसभा अस्तित्व में आई थी जी। उस समय रघुवीर सिंह तेवतिया जी विधायक बने थे, उसके बाद 2014 में टेक चंद शर्मा जी विधायक बने, 2019 में
नैनपाल जी विधायक बने, तो तीनों बार तीन चुनाव पृथला में हुए, तीनों बार अलग अलग विधायक बने, तो पृथला की जनता इनके कामों का हिसाब रखती है और उस पर वो अपना फैसला देती है। इसलिए मुझे जरूरत नहीं है उनके बारे में बोलने की कि वो क्या उन्होंने क्या क्या नहीं किया। मेरी अपनी विचारधारा है, मेरी पार्टी की विचारधारा है, हम इन गारंटियों के साथ, ये अरे वादे नहीं है जी। बाकी लोग तो वादे करते हैं, बाकी पार्टियां वादे करती हैं, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल गारंटी देते हैं जी। और हम इन पांच गारंटियों के साथ क्षेत्र में जा रहे हैं, पूरे हरियाणा के अंदर इन पांच गारंटियों पर लोग भरोसा कर रहे हैं, लोग कहते हैं और लोग जानते भी हैं कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने दिल्ली के अंदर भी किया है, उन्होंने पंजाब के अंदर भी किया है। मैं आपको मैडम एक बात बताता हूँ जी, 2015 में दिल्ली में चुनाव, सॉरी 2020 में दिल्ली में जब चुनाव हुए थे तो अरविंद जी ने पब्लिक मंच से कहा था जी कि अगर मैंने काम किया है तो दिल्ली के लोगों मुझे वोट दे देना, नहीं तो मत देना। हमने यही बात अरविंद जी ने पंजाब में कही कि पंजाब के लोगों, आपके दिल्ली में बहुत सारे मित्र, बहुत सारे रिश्तेदार, जानने वाले रहते होंगे, आप उनसे फ़ोन करके पता कर लो कि अगर केजरीवाल ने दिल्ली में काम किया है तो आप मुझे पंजाब में वोट दे देना, नहीं तो मत देना। हरियाणा में भी हम यही लोग यही बात कर रहे हैं। हम कहते हैं हरियाणा के वासियों से कि दिल्ली दूर नहीं है और पंजाब दूर नहीं है, हरियाणा का बहुत सारा हिस्सा दिल्ली और पंजाब के बीच में आता है। तो हम ये बोल रहे हैं कि आप दिल्ली भी पता कर लो और पंजाब भी पता कर लो। अगर अरविंद केजरीवाल ने जी ने जो कहा है वो नहीं किया हो तो बिल्कुल वोट मत देना जी। और जो कहा है और वो किया है और कर रहे हैं तो एक एक वोट आम आदमी पार्टी और झाड़ू के निशान पर पड़नी चाहिए जी। और इस लोग इस बात से सहमत भी हैं और उन्होंने पूरा मन भी बना लिया है कि इस बार झाड़ू चलाकर वो पंजे और फूल को साफ करने वाले हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनाने वाले हैं। अभी हाल ही में सुनीता केजरीवाल जी आई थी फरीदाबाद में, भी काफी बड़ी इनकी रैली थी, बहुत लोग भी देखे रैली में, काफी लोग दूर दूर से पहुंचे थे उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। पांच गारंटियां देकर गई हैं वो, तो थोड़ा सा बताएंगे क्या क्या गारंटियां हैं? हाँ, हमारी जो पांच गारंटियां हैं, सुनीता जी ने भी उस दिन उनके बारे में बताया था। सबसे पहली गारंटी है फ्री और अच्छी शिक्षा की गारंटी, यानी कि हम हर गांव के अंदर, हर वार्ड के अंदर सरकारी स्कूलों को इतना शानदार और बेहतरीन बना देंगे कि उसमें लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल करके सरकारी में पढ़ाने के लिए मजबूर हो जाएंगे जी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि अपने पैसे को फालतू में खर्च करे या अननेसेसरी चीज़ों पर खर्च करे। मैं शिक्षा को अननेसेसरी नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ जब हमारे पास एक ऑप्शन है सरकारी का जहाँ पर हमारे बच्चे फ्री में अच्छा पढ़ सकते हैं तो फिर हम प्राइवेट में खर्चे क्यों करें जी। दूसरी गारंटी जो है वो है निशुल्क और शानदार चिकित्सा व्यवस्था की। आज हरियाणा के अंदर आप देखिए, फरीदाबाद की बात करूं तो फरीदाबाद में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं आप उनकी हालत देख लीजिए, किस प्रकार से उनकी हालत है। शायद आपने कोई एक दो प्रोग्राम भी उन पर किए हैं, मैंने देखा था। पहली बात, अस्पताल में डॉक्टर नहीं होंगे, ज़्यादातर डॉक्टर बेचारे हड़ताल पे होते हैं, कभी नर्स हड़ताल पे होती हैं, कभी कर्मचारी हड़ताल पे होते हैं, कभी एनएचएम वाले हड़ताल पे होते हैं। इस ये सरकार तो हड़तालों की सरकार रही है। तो आप हॉस्पिटल जाएंगे जी, पहली बात डॉक्टर नहीं मिलेगा, डॉक्टर मिल गया तो टेस्ट नहीं होने का, टेस्ट भी हो गया तो दवाई नहीं मिलने की। और ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स से मैं खुद गुजरा हूँ कि डॉक्टर साहब ने दो तीन टेस्ट लिख दिए, उन टेस्ट को कराने गए तो सिर्फ एक अवेलेबल था, दो के लिए बाहर बोल दिया। पर्ची पे चार दवाइयाँ लिखी थी, उस दवाई में से फार्मेसी की विंडो पे गए, सिर्फ एक दवाई मिली, बाकी तीन के लिए बाहर से बोल दिया। ये सरकारी व्यवस्था है जो आज के वर्तमान हरियाणा की है। तो आम आदमी पार्टी और मैडम केजरीवाल जी ने जो गारंटी दी थी, उन्होंने कहा कि हम सरकारी अस्पतालों को इतना शानदार और इतना अच्छा बना देंगे कि आपको किसी भी इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका सारा इलाज, चाहे वो छोटी से छोटी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी को, भगवान ना करे किसी को बीमारी हो और उसमें कितना ही खर्चा आए, सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी और आपका पूरा इलाज सरकारी अस्पतालों में मिलेगा। तीसरी गारंटी युवाओं के लिए थी। हरियाणा प्रदेश के अंदर आज करीब 34 से 35% के आसपास बेरोजगारी दर है, यानी कि 100 में से लगभग 35 लड़के बेरोजगार हैं। बहुत सारे पदों पर वैकेंसी खाली हैं। किसी भी सरकारी दफ्तर में जाइए आप, कर्मचारियों की कमी है, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे डीसी में
सेक्रेटरीट में कोई विभाग हो, किसी भी पद पर, किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, कर्मचारियों की कमी है। उधर तो सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी है जी। उधर लड़के बेरोजगार हैं, तो इसका मतलब हमारे पास, हमारी सरकार की नीयत जो है वो रोजगार देने की नहीं है। अगर हम अपने लड़कों को रोजगार देंगे तो हमारे कर्म जो रिक्तियां हैं, जो पद खाली पड़े हैं, वो भर जाएंगे और जनता को उससे आराम मिलेगा, यानी जनता के काम होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन सरकार चाहती नहीं है। तो तीसरी गारंटी हमारे युवाओं को रोजगार की गारंटी है। चौथी गारंटी 300 यूनिट बिजली 24 घंटे बिजली, जिसमें से 300 यूनिट एक महीने के अंदर फ्री मिलेगी। क्या दिल्ली में ऐसा होता है? बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, दिल्ली में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है। मैं तो आपसे भी कहता हूँ, आप भी बता लीजिए फोन करके जी, कि दिल्ली के अंदर 300 यूनिट बिजली, दिल्ली के अंदर 200 यूनिट है, पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है और 24 घंटे बिजली आती है जी। हरियाणा के अंदर बिजली आए ना आए इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपका 6-7 रुपए यूनिट का बिजली का बिल जरूर आएगा, ये बात तय है। अभी हमने बिजली आंदोलन किया था, बिजली आंदोलन के लिए हम गांव गांव गए, घर घर गए, हमारे पास दिल्ली के बिल थे, पंजाब के बिल थे, हम लेके जा रहे थे, बता रहे थे लोगों को, देखिए ये दिल्ली का बिल है, ये पंजाब का बिल है, अब आप अपना बिल दीजिए। लोग अपना बिल दिखाते थे, हम देखते थे यूनिट 350, बिल 700 रुपये, बिल 800 रुपये, हम कहते थे देखिए ये पंजाब का बिल है, यूनिट 600 दो महीने का, बिल अमाउंट जीरो, ये दिल्ली का बिल है यूनिट 400, बिल अमाउंट जीरो। तो वहाँ 600 यूनिट का बिल जीरो है, या 300 यूनिट का बिल जो है आपको 700 रुपये देने पड़ रहा है, 800 रुपये देने पड़ रहा है, तो ये अंतर है, ये अंतर समझ में आ रहा था। तो चौथी गारंटी हमारी 24 घंटे बिजली, उसमें से 300 यूनिट हर महीने फ्री। पांचवी गारंटी जो है, पांचवी गारंटी ये है कि हमारी जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर की है, उनको 1000 रुपये हर महीने सम्मान राशि देने की गारंटी है। उसके साथ साथ मैं उसमें और जोड़ दूं, जो हमारी पार्टी पंजाब और दिल्ली में कर रही है, वृद्धों के लिए, जितने हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए तीर्थयात्रा का पूरा प्रावधान है। हर बुजुर्ग को, चाहे वो कपल में है या सिंगल है, अपने एक बच्चे के साथ तीर्थयात्रा करने का अवसर सरकार देती है, जिसका पूरा खर्चा सरकार देती है। और जो हमारे देश के जवान, हरियाणा तो सबसे ज़्यादा, अगर मैं जवानों की बात करूँ, आर्मी की बात करूँ, हरियाणा से हैं जी, जी। हमारे जो देश के जवान अगर कोई सीमा पर शहीद होता है, तो दिल्ली और पंजाब की सरकार उसके 12 का काज होने से पहले ही 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि उसके परिवार को दे देती है। देखिए 1 करोड़ रुपये से किसी व्यक्ति की क्षतिपूर्ति तो नहीं होती, लेकिन उसके परिवार का पालन पोषण आसानी से हो जाता है, इसलिए 1 करोड़ रुपये की सम्मान राशि हमारी दिल्ली सरकार ने और पंजाब सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने रखी हुई है, जिससे कि उसके परिवार के बच्चों का, जो माँ बाप, बूढ़े माँ बाप पीछे रह जाते हैं, उनका अपना जीवन यापन में कोई किसी प्रकार की समस्या का समाधान ना करना पड़े। तो ये कुछ 5-6 गारंटियां हैं जिनको सुनीता केजरीवाल जी ने बताया था और उन्हीं को लेकर हम आम जनता के बीच में। तो कौशल जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि फरीदाबाद में आप कहीं से भी जाइए, किसी भी हाईवे से गुजरेंगे तो आपको टोल का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए आम आदमी पार्टी क्या करने वाली है? हाँ, देखिए आपने हमारी दुखती रक्त पे हाथ रख दिया, ये मेरी ही नहीं, ये पूरे क्षेत्र, पूरे पलवल जिले की और फरीदाबाद जिले की बड़ी दुखती रग है जी। और हर आदमी इससे परेशान है, चाहे वो व्यापारी हो या किसान हो या नौकरी पेशा आदमी हो, हर व्यक्ति इससे परेशान है। और आपने सही कहा कि फरीदाबाद के और पलवल के चारों तरफ टोल ही टोल है। 2014 के चुनाव में हमारे माननीय सांसद कृष्ण पाल जी ने इन टोलों को जज्जिया कर कहा था जी। और ये टोल उस समय तुमसरा पलवल के पार हुआ करता था, और आज ये पलवल और फरीदाबाद के बीच में गदपुरी हो गया है, दूसरा इधर फरीदाबाद से निकले दिल्ली की तरफ निकलेंगे तो बदरपुर बॉर्डर हो गया है, आप यहाँ से गुड़गांव निकलेंगे तो बीच में बंदवाड़ी हो गया है, आप यहाँ से सोना निकलेंगे तो बीच में एक गांव पड़ता है इधर, वहां पे हो गया है, यानी कि फरीदाबाद पलवल के चारों तरफ टोल टोल। बिल्कुल। मेरा पहला सवाल तो कृष्णपाल जी से है जी, कि सर ये आज ये जज्जिया कर है या नहीं है, कृपया ये बताने की कोशिश करें, कृपया करें कि क्या ये आज भी जज्जिया करें या आज ये सरकार के चहेते हो गए हैं जी। दूसरा, मैं उन माननीयों से ये भी सवाल करना चाहता हूं कि जब पृथला के अंदर गदपुरी में टोल टैक्स बन रहा था तब आप ही की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इनको जज्जिया कर कहती थी, उन्होंने टोल क्यों लगने दिया? कानून भी ये कहता है कि 60 किलोमीटर से पहले को टोल लेना चाहिए जी। तो बदरपुर बॉर्डर से पृथला 60 किलोमीटर तो नहीं है,
और पिथले से गदपुरी से करमन बॉर्डर भी 60 किलोमीटर नहीं है जी। तो इस 60 किलोमीटर की दूरी के अंदर तीन टोल क्यों? तो ये सवाल मेरे भाजपा के उस समय विधायक रहे मंत्री रहे लोगों से भी है और आज के लोगों से भी है। तो क्या आप उस समय झज्जियाकर था तो आज क्या है? लॉलीपॉप जी। और मैं तो बड़ा हैरान हुआ जब ये टोल शुरू हुआ जी। टोल शुरू हुआ तो कुछ लोगों ने इस पे विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया, धरने प्रदर्शन शुरू किए, और इत्तेफाक क्या बड़ा बड़ो बेशी बात है मैडम कि वही लोग थे जिन लोगों के कार्यकाल में टोल लगे, वही लोग टोल के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो हमने पूछा कि सर जब ये टोल लग रहा था देन वेयर वर यू, तब आप कहाँ थे? तब आपको पता नहीं चला कि टोल लग रहा है जी। या आप किसी डर में थे, किसी ने डर रखा था आपको कि भाई टोल लगने दो नहीं तो आपके खिलाफ कुछ, या आपको कुछ लालच दिया गया? और जब ऐसा कुछ था उस समय तो आप ये सब क्यों कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं जी। या तो आप उस समय किसी लालच में थे या डर में थे, या अब कोई लालच है, इस समय कोई लालच था। आम आदमी पार्टी और कौशल ततारपुर उस समय टोल के खिलाफ था, आज भी टोल के खिलाफ है और पहले भी टोल के खिलाफ रहा है, आगे भी रहेगा। जहां तक आपने पूछा कि आम आदमी पार्टी टोल के लिए क्या करेगी, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 13 टोल टैक्स बंद किए हैं। 13 टोल टैक्स को बंद करके जनता को राहत देने का काम किया है। 96 रुपये लीटर का पेट्रोल, 85 रुपये किलो की CNG, 87 रुपये लीटर का डीजल, इतने सारे टैक्स, रोड टैक्स देने के बाद भी जब टोल टैक्स देना पड़ता है तो हर व्यक्ति की जेब पे अतिरिक्त भार पड़ता है। 185 रुपये का टोल टैक्स है गदपुरी वाला, 45 रुपये का टोल टैक्स है गुड़गांव फरीदाबाद टोल टैक्स, जिसको बंद होना था जी। जुलाई में 45 से बढ़ा के 60 रुपये कर दिया। अच्छा। जहां इनको बंद करना था जी, चुनाव के तुरंत बाद बढ़ा दिए। तो टोल टैक्स तो इस जनता के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए एक अभिशाप है, और जो कि सिर्फ केवल केवल और भाजपाइयों और भाजपाई समर्थित नेताओं की देन है। और इसके लिए जनता इनसे कठिन सवाल पूछ रही है, पूछती रहेगी, और इस बात का निर्णय भी जनता इनके खिलाफ में, इनके अगेंस्ट देगी। किसानों की बात करें तो लगातार किसान धरना दे रहे हैं, मांगे कर रहे हैं। हालांकि अभी मुख्यमंत्री ने कुछ MSP पे कुछ उनका समाधान भी किया है, कुछ मांगे मांगने लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पे? किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था जी, तो 742 किसानों की शहादत उसमें हुई थी जी। और सरकार ने कहा था कि हम MSP को कानून बनाएंगे जी, लेकिन आज तक तो MSP कानून नहीं बना। और किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने प्रोडक्ट की कीमत खुद तय नहीं करता, बाकी तो सब अपने प्रोडक्ट की कीमत खुद तय करते हैं। आप मार्केट में जाइएगा तो पहले लिखा होता है MRP इतना, लेकिन किसान की फसल पर MRP नहीं लिखा होता। किसान की फसल को खरीदने वाला तय करता है, बाकी की चीज़ों की जो कि बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमत बेचने वाला तय करता है, लेकिन किसान के प्रोडक्ट की कीमत खरीदने वाला तय करता है। ये बड़ी विडंबना है अपने आप में। तो किसान ने क्या मांगा था? सिर्फ MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो F2 का फार्मूला था, उससे उन्होंने मांगा था। स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने कहा था कि ये हमें बना दीजिए। आजकल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए घूम रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं, जबकि 10 साल वो भी सरकार में रहे, उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं की। उसके बाद भाजपा, जब हुड्डा साहब सरकार में थे तब भाजपा ही स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए घूमते थे जी। तब कांग्रेस ने नहीं की, हुड्डा साहब ने नहीं की। आज भाजपा सरकार में है तो हुड्डा साहब लिए घूम रहे हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो। करने वाला कोई नहीं है, ना कांग्रेस ने की, ना भाजपा ने की, ना आगे करेंगे। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया, और सबसे ज़्यादा देश में गेहूँ का MSP जो है अरविंद केजरीवाल देते हैं। ये तो MSP की बात हुई। दूसरी बात जो जिस पे कोई ध्यान नहीं देता, ये है पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर। हमारी IFFCO जो सरकारी कंपनी है, इनके फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की जो आपूर्ति है, सप्लाई है, बहुत कम है, और क्वालिटी में भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होता है। तो इसलिए किसान भाइयों को प्राइवेट कंपनियों के फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड खरीदने पड़ते हैं,
जिनकी कीमतें आसमान छूती हैं, बड़ी महंगे महंगे फर्टिलाइजर, बड़ी बड़ी महंगी महंगी पेस्टिसाइड किसान भाइयों को डालनी पड़ती है, जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से उनकी जो आय है वो कम होती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इन प्राइवेट कंपनियों के फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की जो कीमतें हैं इनको भी नियंत्रण में करना चाहिए, ये भी हमारी एक मांग है। दूसरा, मैं अपने क्षेत्र के किसानों की बात करूं तो हमारे यहाँ सिर्फ एक नहर जाती है जिसमें भी पर्याप्त मात्रा में सिंचाई का पानी नहीं है, जिससे पर्याप्त मात्रा में किसान भाइयों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता, और उससे भी पानी जितना भी आता है वो बिल्कुल जेड ब्लैक गंदा पानी आता है, यानी कि अगर आप उसमें कहीं शरीर पर लग जाए ना तो शरीर खराब हो जाएगा, इस तरह का पानी वो आता है। तो हमारी ये भी मांग है कि इस क्षेत्र में एक नहर भी हम लोगों को दी जाए जिससे हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा हो। तीसरा, किसान भाइयों के लिए ट्यूबवेल के कनेक्शन जो हैं, मुझे बहुत सारे किसान ऐसे मिलते हैं जिन्होंने कई कई साल पहले ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ था लेकिन उनको ट्यूबवेल के कनेक्शन आज तक नहीं मिले हैं। तो ये होना ये चाहिए कि किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन तुरंत बाद, अप्लाई करने के तुरंत बाद मिलने चाहिए, क्योंकि किसान कोई शौक के लिए थोड़ी ले रहा है, वो अपनी किसानी के लिए ले रहा है, उसकी ज़रूरत है, और जब उसका खेत में पानी ही नहीं होगा तो किसानी कैसे करेगा। तो किसानी करने के लिए ट्यूबवेल की ज़रूरत है, ट्यूबवेल के लिए बिजली की ज़रूरत है, तो उनको बिजली दी जाए। और हमने पंजाब में किया है कि पंजाब के अंदर किसानों को सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक बिजली मिलती है, और बिना कट के मिलती है और फ्री मिलती है। तो हरियाणा के अंदर भी जो खेतों की जो बिजली है, एग्रीकल्चर जो लाइट है, वो सुबह 8 से लेकर 6 बजे तक होनी चाहिए, बिना कट के होनी चाहिए और मुफ्त होनी चाहिए। उसमें यूनिट नहीं होगी, 10 यूनिट 50 यूनिट 100 यूनिट, नहीं, कोई यूनिट नहीं, बिल्कुल फ्री। ये भी हमारी एक मांग है, और आम आदमी पार्टी अगर सरकार में आती है तो हम किसान, अपने किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद हरियाणा के किसानों को सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक बिना किसी कट के रेगुलर बिजली मिलेगी और निःशुल्क बिजली मिलेगी। कौशल जी, एक आखिरी सवाल जी। फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है जी, पिथला विधानसभा की बात करें तो कितना लोगों को रोजगार मिल पा रहा है, क्या ऐसी व्यवस्था है वह लोगों को, और आम आदमी पार्टी अगर वहाँ, अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या लोगों को विकास मिलेगा, क्या फैसिलिटी देने वाले हैं? बिल्कुल आपने सही पूछा। देखिए, हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाता है और उसके लिए उसे बहुत बढ़िया रकम फीस के रूप में देनी पड़ती है। आज जिस तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अपनी फीस बढ़ा रहे हैं, शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, लोग पेट काट काट कर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं जी। और पेट काट कर बच्चे को पढ़ाने के बावजूद जब उनको, उनके बच्चों को रोज़गार नहीं मिलता है तो एक उनके लिए बहुत दुख होता है इस बात का, और युवा भी खुद भी दुखी होता है, फ्रस्ट्रेट भी होता है बेचारा। पिथला क्षेत्र एक औद्योगिक क्षेत्र है, हजारों की संख्या में इसमें औद्योगिक इकाइयाँ हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी इकाइयाँ भी हैं, छोटी इकाइयाँ भी हैं, मदर यूनिट भी हैं, बहुत तरह की यूनिट हैं। अगर यहाँ की नेताओं की नीयत ठीक हो, सरकार की नीयत ठीक हो, विधायक की नीयत ठीक हो, तो हमारे क्षेत्र के लड़कों को नौकरी करने के लिए गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए एक चपरासी की जरूरत भी है, एक CEO की जरूरत भी है, एक अकाउंटेंट की जरूरत भी है, एक GM की जरूरत भी है, एक प्रोडक्ट मैनेजर की जरूरत भी है, एक प्रोडक्शन मैनेजर की जरूरत भी है, यानी कि हर आदमी की जरूरत है। और हम, हमारे लड़के बाहर जाके क्या करते हैं, यही काम तो करते हैं जी। अपनी योग्यता के अनुसार से काम करते हैं, जिसकी जैसी शैक्षणिक योग्यता है वो काम वो यहाँ दिल्ली जाके करता है, वो इनोवेटिव जाके करता है, वो गाजियाबाद जाके करता है, और वही काम वो यहाँ भी कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन अवसर देने वाली बात है। लेकिन हमारे क्षेत्र के जो नेता हैं ये कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, ये अपने भले के लिए कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं इन उद्योगपतियों के साथ, ये क्षेत्र के युवाओं के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। अगर ये थोड़ा सा भी सोचना शुरू कर दें और इस बात को सख्ती से पेश आना शुरू कर दें कि पहली प्राथमिकता हमारे लोकल लड़कों को दी जाएगी, हमारे क्षेत्र के बच्चों को दी जाएगी, तो ज़रूर हमारे बच्चों के रोज़गार की संख्या में वृद्धि होगी, क्योंकि किसी भी कंपनी में रोबोट काम नहीं कर रहा, लड़के ही काम कर रहे हैं, इंसान ही काम कर रहे हैं, और हमारे लड़कों के अंदर काबिलियत है। हमारे क्षेत्र से लड़के इसरो में भी हैं, हमारे क्षेत्र से लड़के आर्मी में भी हैं, हमारे क्षेत्र के लड़के चार्टर्ड भी हैं, इंजीनियर भी हैं, वो बाहर जाके काम कर रहे हैं। जब बाहर जाके कर सकते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं, और यहाँ भी तो लोग बाहर का आके काम कर रहे हैं। जब यहाँ के, यहाँ पर उनको अवसर मिल सकता है, मिल जाएगा, तो क्यों बाहर जाएंगे, क्यों अपने 4-6 घंटे ट्रैवलिंग में और पेट्रोल में एक्सपेंस करेंगे, यही करेंगे, बाकी के समय अपने परिवार के साथ रहेंगे, समाज के साथ रहेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। लेकिन नेताओं के जो मानसिकता है, जो उनकी सोच है,
वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ जाती नहीं। मैं अपने युवा साथियों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर आपका भाई सत्ता में आता है तो जितनी भी इंडस्ट्री हैं पिछला क्षेत्र के अंदर, सब में सबसे पहली जो प्रायोरिटी जो रहेगी, प्राथमिकता जो रहेगी रोजगार की, अपने क्षेत्र के युवा साथियों की रहेगी। उनकी योग्यता के अनुसार उनको रोजगार दिलाया जाएगा और हम मजबूर कर देंगे इन उद्योगपतियों को अपने लोकल लड़कों को काम पर रखने के लिए, क्योंकि क्षेत्र हमारा है। इनका प्रदूषण हम झेलते हैं, ध्वनि प्रदूषण हम झेलते हैं, इनके बड़े बड़े ट्रोलों और इनके बड़े बड़े ट्रकों की वजह से रोड हमारे खराब होते हैं, वायु प्रदूषण हम झेलते हैं, जमीन हमारी है, तो रोजगार दूसरों को क्यों? जमीन हमारी, क्षेत्र हमारा, बिजली हमारी ये ले रहे, पानी हमारा ये खराब कर रहे, वायु प्रदूषण हमारा ये खराब कर, वायु हमारी ये खराब कर रहे, ध्वनि प्रदूषण हमें दे रहे, जब इनकी सारी खराबी हम झेल रहे हैं तो रोजगार दूसरों को क्यों? रोजगार भी तो हमें चाहिए ना। इस बात के लिए मैं अपने युवा साथियों को आश्वस्त करता हूँ कि ये आपका ये भाई इस बात को पूरे जोर के शोर के साथ उठाएगा, मजबूती के साथ उठाएगा कि जब क्षेत्र हमारा तो रोजगार भी हमारा। और अगर कोई इसमें कोई उद्योगपति आनाकानी भी करेगा इस तरह से करने के लिए, तो हम कोई ऐसे अनपढ़ नहीं है, हम कानून के भी जानकार हैं, हमको पता है कि हमारे राइट्स क्या हैं, उसके लिए लड़ेंगे। तो मतलब ये है कि अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो जनता को कई राहतें मिलने वाली हैं। तो मैं आपसे अगला सवाल ये करना चाहूंगी, पिछला विधानसभा से आप दावेदारी कर रहे हैं, पार्टी आपको टिकट दे तो क्यों दे? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा और ये पहली बार आपने मुझे अच्छा सवाल पूछा है जी। कि पार्टी मुझे टिकट दे तो क्यों दे? भारत तो युवाओं का देश है, भारत की लगभग 50-60% आबादी युवा है, और आज का युवा मैं मानता हूं कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी और जो उसकी एफिशिएंसी है उसके हिसाब से भी काफ़ी सक्रिय है। जितने भी कैंडिडेट पृथला के अंदर दावेदारी ठोक रहे हैं जी, सभी पार्टियों से जी, चाहे वो भाजपा से हों, कांग्रेस से हों, आप से हों, इनेलो से हों या बसपा से हों, जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें से आप देखेंगे कि बहुतों की उम्र 65 साल से ऊपर है, कोई 67 का है, कोई 66 का है, कोई 70 का है, कोई 75 का है जी। सिर्फ मैं एक ऐसा हूँ जो अंडर 40 हूँ, ओके, जिसकी उम्र 40 साल से कम है जी। दूसरी बात, पृथला के अंदर लगभग 27-28 लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं, कर रहे हैं, सारे के सारे सेक्टर में रहते हैं जी। सुबह सेक्टर में से निकलेंगे, गाड़ी लेंगे, क्षेत्र में घूमेंगे, रात को आके फिर वापस सेक्टर में सो जाएंगे। उनको नहीं पता कि बिजली जाती है, रात में बिजली कटती है तो समस्या कैसी होती है, उनको नहीं पता कि सड़कें की हालत कितनी ख़राब है, उनको नहीं पता कि सड़क पे पानी भरने के बाद कितनी समस्या का सामना लोगों को करना पड़ता है, उनको नहीं पता कि जोड़ में सड़ रहे पानी से, बदबू से कितनी बीमारी फैलती है जी। सड़कों की समस्या तो पूरे फरीदाबाद में। कौशल ततारपुर केवल एक ऐसा व्यक्ति है जो आज भी गांव में रहता है जी। जितने भी कैंडिडेट घूम रहे हैं, सबकी बता रहा हूँ, सभी पार्टियों से, कोई सेक्टर 2 में रहता है, कोई सेक्टर 37 में रहता है, कोई 17 में रहता है, कोई 15 में रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई सब सेक्टरों से आते हैं जी। कोई गांव में नहीं रहता जी। आप पता कर लीजिएगा, सिर्फ कौशल एक ऐसा व्यक्ति है जो विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही रहता है जी। जैसी और लोगों की बिजली जाती है ऐसी मेरी बिजली जाती है, जैसे पीने के पानी की समस्या और लोगों की है ऐसी मेरी है, जैसे सड़कों की समस्या और लोगों की है वैसी मेरी है, जैसे और लोगों के बच्चे छोटे स्कूल में पढ़ते हैं सरकारी में पढ़ते हैं ऐसे मेरे छोटे बच्चे स्कूल छोटे स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे और लोगों को हॉस्पिटल की समस्या होती है ऐसी मेरी होती है, बाकी कितनी होती है वो सब सेक्टरों में रहते हैं जी। और मैं ये कहना भी चाहता हूँ आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों से कि भगवान करे आप मुझे आशीर्वाद दें, और मैं आपसे आशीर्वाद मांगता भी हूँ, तो भी मैं अपने गाँव में रहूँगा, गाँव छोड़कर किसी सेक्टर में बिल्कुल नहीं जाने वाला, मुझे अपना गाँव प्रिय है, अपनी जन्मभूमि प्रिय है, मुझे अपना क्षेत्र प्रिय है, और मैं अपने क्षेत्र से, अपने गांव से, जन्मभूमि से बहुत प्यार करता हूं जी। और मुझे गर्व है कि मैं
उस गांव में पैदा हुआ, उस क्षेत्र में पैदा हुआ, इस बात का मुझे हमेशा गर्व भी रहेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो जिनके आधार पर मैं चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे दावेदारी जो है मेरी वो ठीक है, पार्टी मुझे चुने। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पिथला विधानसभा की पब्लिक को? सबसे पहले तो मैं, कल इंडिपेंडेंस डे है जी, तो स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सबको स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें, ये मेरी भगवान से कामना है कि आप सब लोग, आपका परिवार और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। दूसरा, मैं चाहता हूं कि अब की बार चुनाव में जब वोट डालने आप जाएं तो इस बात का मन बना के जाएं कि अभी तक हमने जाति और धर्म के नाम पर वोट किया है, अब की बार हमें मुद्दों के नाम पर, स्कूल के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, स्वास्थ्य अस्पताल के नाम पर, अपनी माताओं बहनों के सम्मान के नाम पर, जवान और किसान के सम्मान के नाम पर, युवाओं के नाम के लिए वोट करना है, इन मुद्दों पर वोट करना है। और कम से कम एक चीज और पृथला क्षेत्र के लोगों को देखनी होगी मैम जी, पृथला एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आसपास की विधानसभाओं से लोग आकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो मैं तो ये भी कहना चाहता हूं अपने क्षेत्र के लोगों से कम, ठीक है आपको कौशल अगर पसंद ना आए कोई बात नहीं, लेकिन अपने बीच से अपने क्षेत्र का अपना बच्चा चुनिए, कौशल नहीं तो कोई और होगा, लेकिन अपना चुनिएगा। अपना चुनेंगे तो अच्छा चुनेंगे, और बाहर का चुनेंगे तो आज आएंगे कल जाकर सेक्टर में सो जाएंगे। तो मेरा तो यही निवेदन है कि इस बार मुद्दों के नाम पर वोट डालिएगा, ना कि जाति और धर्म के नाम पर। तो आज हमारे साथ देश रोजाना के स्टूडियो में मौजूद हैं कौशल ततारपुर जी, जो पृथला विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी से। अगली बार फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात करवाएंगे, तो तब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।